एमएस वर्ड में बॉक्स कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं एमएस वर्ड अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में और आप उसके अंदर कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं जिसमें आप उस बॉक्स के अंदर कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। हम यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा एमएस वर्ड थोड़ा पुराना है, पर यहाँ पे हर एमएस वर्ड में एक ही तरीका काम करता है। यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि माय नेम इज विकास, तो यहाँ पे हमने लिखा है। अब यहाँ पे बॉक्स बनाने के दो तरीके हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है और एक होता है इमेज बॉक्स। यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर की तरफ इंसर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको साइड करना है, यानी इसको स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे आपको कई सारे तरीके मिल जाएंगे कि आप किस तरीके का बॉक्स बनाना चाहते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हम ये वाला करेंगे और बॉक्स आ जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि हम लिखते हैं टाइम इज 7:30। पर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कोई इमेज बॉक्स बनाना है, यानी आप उस इमेज के अंदर, यानी आप उस बॉक्स के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं आइए जानते हैं। यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम उसके लिए नाम लिख देते हैं, जैसे कि विंडो 10। हम विंडो 10 का एक फ़ोटो लगाएंगे, तो कर दिया हमने। अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट पे आइए फिर से, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन शेप, इस पे आइए। यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला शेप, नीचे भी मिल जाएगा, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इस पे क्लिक करें। और यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन मिल जाएगा, इसे सिलेक्ट करते ही आप जिस शेप का बनाना चाहते हैं बना दीजिए। तो यहाँ पर हम इसे इस शेप का बनाएंगे, ऐसे करके कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक मिल जाएगा फॉर्मेट ऑप्शन, इसके बाद आपका ये सिलेक्ट होना चाहिए, शेप सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ कलर्स, आप एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे आप शेप की आउटलाइन वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेप फिल दिखाई देगा, अगर आप शेप के अंदर कुछ भरना चाहते हैं भर सकते हैं, यानी बॉक्स के अंदर, तो हमने ये वाला कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग, इस पर क्लिक करें और आप इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। ये बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप इस शेप को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, यानी बॉक्स को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। कर दिया है हमने, अब इसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हम इंसर्ट में जाते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप पर है, जो कि विंडो 10 का एक फ़ोटो है, हमने इसलिए ही ये बॉक्स बनाया है। तो ये रहा वो फ़ोटो, हम इसे लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आ चुका है, हम इसे छोटा कर लेते हैं कि हमने इस फ़ोटो के इसके अंदर लगा दिया है। तो ये रहा इसका नाम जो हमने लिखा था, और ये रहा इसका बॉक्स। ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं, बस आपको शेप में ध्यान रखना है, आप वो शेप सिलेक्ट करिएगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं।